Now I would like to request Her Excellency Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Jharkhand. She is a notified area council, the vice chairman of Rairangpur of notified area council, MLA from Rairangpur constituency and Minister for Commerce and Transport, and also from Minister of State for Independent Charge from 2000 to 2002, Government of Orissa. From 2002 to 2004, she has been the Minister for Animal Husbandry, Government of Orissa. From 2004 to 2009, she has been the MLA from the same constituency, and she has won the award for Best MLA of Orissa Assembly. She is the first lady governor of Jharkhand. She is the first tribal lady to be the governor of any state in India. Her Excellency Srimati Draupadi Murmu ji. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. मंच पे उपस्थित दादी रतन मोहिनी जी, प्रजमान भाई जी, निमंत्रित अतिथिगण, सामने बैठे हुए इस संस्था से जुड़े देश और विदेश से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, आज मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। आज दादी जानकी जी का सेंटेनरी सेरेमनी है, इसलिए मैं दादी जानकी जी को बहुत 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 बधाई देती हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा को निवेदन करती हूँ कि दादी जी का प्रेरणा ऐसे सालों साल हम लोगों को मिलते रहे और हम दादी जी का बर्थडे ऐसे ही सालों साल मनाते रहे। भाइयों और बहनों, एक्चुअली मेरा प्रोग्राम कल था तो मुझे बोला गया कि आपको आज भी थोड़ा बोलना है। बाबा के अनुग्रह से मुझे बहुत सारे गैदरिंग में ऐसे बोलने का मौका मिला, लेकिन आज इंद्र सभा, ये देवियों का देवताओं के सभा, मुझे क्या कहना है। ये डायमंड हॉल मेरे लिए नया नहीं है। ये डायमंड हॉल में मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्टूडेंट के रूप में आई थी। दादियों का, बहनों का मैं बातें सुनती थी, अपने आप को ऐसे महसूस करती थी कि एक्चुअली यहाँ जो गॉडली स्टूडेंट आते हैं, एक्चुअल स्टडी तो जिंदगी में यही मिला। तो आज मुझे थोड़ा मेरा सीट चेंज हो गया, मैं ऊपर बैठने का मुझे मौका मिला। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ,
ये इस संस्था के बदौलत है, ये बाबा के कमाल है। इसका श्रेय मैं बाबा को ही देती हूँ। ये कि मैं जो रास्ते पे वो भाई जी को मैं बात करती थी कि तो क्या बोलूँ, मुझे तो काल बोलना है, काल के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। उन्होंने कहा आज आपका अनुभव ही बता दीजिए, मैं आप कैसे इस संस्था से जुड़े। मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एज जितने भी हो लेकिन मेरा जिंदगी तो 6 साल का है, मैं 6 साल ही एक्चुअल जिंदगी जी हूँ। मैं 6 साल की छोटी बच्ची हूँ। मेरे जिंदगी एक नदी के एक पता की तरह है, जो कहाँ ठहराव है तो कहाँ भूल भुलैया मैं फंस गई थी, तो कहाँ पत्थर में टकराई, तो जिंदगी यहाँ तक ले आई। जिंदगी में मैं सब कुछ खोया है लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे परिवार से मिला दिया, बेहोत के परिवार मिला। लौकिक परिवार को खो दिया तो अलौकिक परिवार मिला। मैं एक ऐसे जगह से आई हूँ, शायद भारत के मैप में उसी गांव का नाम भी है या नहीं, मैं तो ढूंढती रहती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। ऐसे एक रिमोट गांव से हूँ जहाँ सूर्य की किरणें बड़ी मुश्किल से वहाँ पड़ता है, लेकिन बाबा जो कहते हैं कि वो बेगारी का पाठ 365 दिन में से 200 दिन बेगारी का पाठ मैं भी बजाती थी, तो किस्मत में मैं तो अच्छा स्कूल में पढ़ने को मिला लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। जब मैं नौकरी कर रही थी तो जिंदगी मोड ऐसे मुझे ले आया कि मुझे पब्लिक के लिए काम करना पड़ा। ये मैं तो सपने देखती थी कि कुछ मेरे फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर बनूं, लेकिन बाद में मुझे ऐसे मौका मिला कि मुझे पब्लिक के लिए काम करना पड़ा। लेकिन मुझे टाइम बहुत कम मिला है बहुत सारा स्पीकर से, इसीलिए मैं प्रिसाइज में बताना चाहती हूँ। जिंदगी का हार पन्ना को मैं बोलने लगूंगी तो शायद मुझे लग जाएगा 10 दिन। जिंदगी में ऐसे सुनामी आया, ऐसे भूकंप आया, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा ऐसे जिंदगी किसी को ना मिले। 2009 में जब मेरा बड़ा बेटा चले गया, मैंने सोचा कि ये जिंदगी से जीने का मकसद क्या है, क्यों जीऊं? लोग सोचते थे कि ये शायद नहीं ये शरीर में नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी थी, बहुत किताबें पढ़ी थी, ऐसे ऐसे संस्थाओं से जुड़ी थी, मुझे लगता है कि यहाँ संस्थाओं का नाम बोलना तो ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था भक्ति करना, मंदिर में जाना, प्रवचन सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब ऐसे घटना घटी तो मैंने सोचा भगवान का नाम लेना
ठीक है या नहीं मुझे कॉन्फ्यूज सा हो गया, लेकिन मुझे तो जीना है, लेकिन जीऊंगी तो किस आधार होना चाहिए। जो मैं पब्लिक लाइफ में थी तो एक भाई जी ने मुझे इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने बोला मेरे पास शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी तो खुद ब खुद मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे इसी संस्था से जुड़ना है। बहनों को, वहाँ लोकल बहनों को मैंने कॉल किया तो उन्होंने आया। उसी दिन से कोर्स तो किया, लेकिन कोर्स ना करने के बराबर उन्होंने कहा, बहन जी आपको हलचल के अंदर अटल रहना होगा, आपको नौष्टमुहा बनना होगा। मैंने बोला नौष्टमुहा क्या है? नहीं, डिटैचमेंट, आपको डिटैचमेंट होना होगा। मैंने कहा मैं तो संसारी हूँ। नहीं, संसार में रहकर आप संसार से अलग, आपको अलग होना होगा। कैसे होगा? नहीं, आपको ये मार्ग चलना होगा, आपको 3:30 बजे आपको उठना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा। लेकिन आप तो जानते हैं ये जो करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं करते रही आहिस्ता आहिस्ता बात को, मैं मेरे अंदर एक अजीब सा स्ट्रेंथ महसूस होने लगी। मुझे लगा कि यस, मुझे जीना है, जीने के लिए हिम्मत आ गया। तो फिर सेवा में भी हमने चले, 12 बजे तक, 2 बजे तक हम अपना पब्लिक के लिए काम, 2 बजे के बाद फिर गांव-गांव हम घूमते थे। तो अजीब सा महसूस होता था कि मन में ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ मुझे लगता था, यस और ज़्यादा करना है, और भी करना है, गांव-गांव घूमते थे। तो इसके बाद फिर 2013 आ गया। 2013 में फिर छोटा बेटा मेरा चला गया। एक जगह गया था, फिर लौटा नहीं, फिर धक्का लगा। इसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, लेकिन बाबा के साथ मिलना, अमृत बेला उठना, ये प्रैक्टिस मैंने जारी रखा, क्योंकि मुझे जिंदगी में जीना है। बहन जी ने मुझे बोली, ये जिंदगी तो सौगात में तुमको मिला है, तुम तो खाली हाथ आई थी, कि जो तुम कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये घर तुम जब आई थी वो तो खाली हाथ आई थी, जाना भी तुमको खाली हाथ। जो कुछ हो रहा है वो मानव कल्याण के लिए हो रहा है, जो कुछ हुआ वो भी अच्छाई के लिए, जो हो रहा है वो भी अच्छाई के लिए, जो इन फ्यूचर होगा वो भी अच्छाई के लिए। मैंने सोचा, जिस टाइम वो बोल रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बहन जी है, मैं ऐसे दुखियारी हूँ लेकिन मेरे ऊपर ये ऐसे बोलती है। लेकिन बाद दिन जैसे दिन बीतते गया, मैंने सोचा यही सही है। फिर 2014 आया, इसके बीच मेरे माता जी चली गई, मेरे छोटा भाइया चले गए। फिर 2014 में मेरा पतिदेव भी चले गए डिप्रेशन में, अभी मैं अकेले हूँ। बहन जी कहती है, तुम अकेले कैसे हो, हम सब है, इतना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार है, बाबा है। फिर एक फाइन मॉर्निंग मुझे ऐसे सूचना आई कि आपको ऐसे ऐसे एक रिवार्ड मिलने वाला है, ऐसे ऐसे आपको पदवी में आपको बिठाया जा रहा है। मैंने सोचा मुझे पता नहीं,
फिर सब ने बोले कि ये कैसे हुआ, कौन आपका सिफारिश किया? मेरे बाबा ने शायद सिफारिश किए होंगे, मेरे सिफारिश करने वाला तो कोई भी नहीं। तो लोग कहते हैं आप कैसे कैसे इतने काम करते हैं, तो कैसे 3 बजे उठ जाते हैं? मैंने बोला कि मैं जब सोती हूँ तो मैं बाबा को, बाबा मुझे 3:30 बजे थोड़ा कैसे करके भी उठा देना। कभी कभी रात को 12 बजे सोना पड़ता है काम के लिए, तो फिर भी कभी सभी शरीर ऐसे खराब हो जाता है तो थोड़ा शरीर अवश्य हो जाता है, फिर भी मुझे कान में कोई कहता है उठो टाइम हो गया। लोगों को जो मैं बोलती हूँ लोग कहते हैं ये शायद यहाँ स्टोरी बताती है, लेकिन यही सच है। आज आपके सामने 2 शब्द बोलने का मुझे जो ताकत मिला, ये बाबा के साथ के लिए, बाबा के साथ हर टाइम मुझे महसूस होता है कोई मुझे, मेरे अंदर कोई है, मेरे पीछे कोई है, मेरे चारों तरफ कोई देख रहा है। तो उस एरिया में एक प्रेरणा में बन गई। तो अभी जब मैं ऐसे जगह पे हूँ तो बहन जी सेंटर के बहन जी मुझे कहती है आप तो अभी इतना सेवा तो नहीं कर पाती। मैं बोलती हूँ जहीं भी मैं जाती हूँ वहाँ बहनें भाइयों भाई लोग मिल जाते हैं, बहनें मिल जाते, खाना मिल जाता है, वहाँ भी थोड़ा बहुत सेवा हो जाता है, तो यही सेवा करती हूँ। बहन जी मुझे बोलती है तुम बाबा से इतना लिया तुमको तो कुछ देना है। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, बाबा का सब है। नहीं, आप जो आप समय दे दीजिए, आप थोड़ा सेवा कर कीजिए, वही बाबा के लिए बहुत होगा। सेवा ही देना ही तो लेना है, आप जो देंगे और समझिए कि आप भी कुछ ले रहे हैं। मैं जो ऐसे न्यूज सुना उस टाइम में यहीं पे दादी से मिलने के लिए टिकट मेरे लिए टू एंड फ्रो हो गया था, तो ऐसे ऐसे न्यूज मुझे कैंसिल करना पड़ा। बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत 8 महीने के बाद मैं आई हूँ, और ऐसे समय पे मुझे आई हूँ कि दादी की 100 साल की जन्मदिन है। मैं फिर अभी ऐसे सेवा करती हूँ कि अपना घर को, अपना गांव के घर, लैंडेड प्रॉपर्टी मेरा बहुत सारे मेरे पतिदेव का हूँ, गांव के घर को बहनों को मैंने दे दिया कि बहनें आप यहीं पे सेवा कीजिए। मेरे भाई का घर को भी, भाई को मेरे पास बुला लिया, मेरे पिताजी का घर भी मैं बहनों को दे दिया। अभी अपना घर जहीं पे मैं रहती हूँ उसको भी अभी थोड़ा पॉलिशिंग कर रही हूँ, उसको भी दे दूँगी, क्योंकि अभी तो बाबा का ही काम करना है। जहीं भी हूँ बाबा के लिए हूँ और बाबा का सेवा जिंदगी भर, बाबा का हाथ मेरे साथ होगा तो मैं समझती हूँ। बाबा को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बाबा मैं तो 6 साल के बच्ची हूँ, मुझे और बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है, और थोड़ा मुझे समय दे दीजिए, इतना जल्दी मुझे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा देर फिर रुकना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, पुरुषार्थ करना चाहती हूँ, आपसे
पता नहीं ये जिंदगी ये शरीर जाने के बाद कितना देर के बाद मुझे शरीर मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जितना दिन है बहुत कम दिन आपसे मैं मिली हूँ, मुझे और थोड़ा दिन और थोड़ा वक्त मुझे चाहिए आपके साथ रहने के लिए। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं पुनः दादी जानकी जी का सोच बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे जो भाई जी मुझे इनवाइट किए हैं और आप ये इंद्र सभा में ये देवी देवताओं के सभा में आपके साथ जो कुछ देर रहने का कुछ समय बिताने का जो मुझे आपने टाइम दिए, इसीलिए इस संस्था को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी का। आप सादगी की प्रतिमूर्ति है, त्याग तपस्या की मूर्त है, तो दिल में परमात्मा का प्यार भर करके फिर से यहाँ पधारे हैं और ही भर करके, जैसे बादल भर करके जाकर के बरसता है, तो ऐसे भरने के लिए पुनः आप यहाँ पधारे हैं अपने ही घर में।